जय माता दी। दोस्तों आज हम बनाएंगे काले चने भोग के लिए। बिना उबाले बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, तो आप भी काले चने की रेसिपी को इस टाइप से बना सकते हैं। सबसे पहले हमने रात भर चने को भिगो लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर में ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में हम एक कटोरी में पहले मसालों को घोल लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। इसमें हमने लिया है थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, मिक्स सब्जी मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर लिया है। लाल मिर्ची, नमक और हरा धनिया का पाउडर थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अच्छे से इसको घोल लेंगे। और जैसे तेल गरम हो जाए जीरा डालेंगे और फिर ऊपर से इस मसाले को डाल देंगे थोड़ा सा चलाते हुए। जैसे मसाला भुन जाए उसमें डालेंगे चना। चना को हमें हाई फ्लेम पर रखना है अभी कम से कम 5 मिनट के लिए, और इसे थोड़ा सा चला लें। 2-3 पत्ते मैंने इसमें अजवाइन के डाले हैं जिससे चने का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमने 2 ग्लास डाला है, 2 या 1.5 ग्लास पानी डालेंगे, उससे ज़्यादा हमें नहीं डालने। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पकाना है। और गर्मा गर्म बहुत ही स्वादिष्ट चना बनकर तैयार हो चुका है। झटपट बहुत ही जल्दी बन गया है और सच में यकीन माने बहुत टेस्टी बनता है इस टाइप से भी। तो एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।